बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेट्रो नेटवर्क क्या सेम है, क्या इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उनका पैसा ज़ाया हो गया या फिर क्या सीन है। ठीक है, सबसे पहले इंशाल्लाह आपको इसमें बताऊंगा कि क्या आपको अगर आने वाले दिनों में कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लान आता है तो क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले भी इसका एक इन्वेस्टमेंट प्लान आया था कि आपको तकरीबन $27 से $25 की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती थी, फिर आपको जो है 1 मिलियन आपको यहाँ पे 10 लाख टोकन दिए जाते थे $25 या $27 के इवस। लेकिन यहाँ पे जी बहुत सारे बंदों ने परचेज़ भी किए हैं, लेकिन मैंने तरीक़ाकार भी बताया था, पर मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ परचेज़ करें। मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा आने वाले दिनों में, और ना मैंने रिसेंट मेरी जितनी भी वीडियो मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट से आप दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे टोकन होते हैं या फिर ऐसी फ्री वाली क्वीन होते हैं वो आपको यहाँ पर स्कैम के चांसेस भी रहते हैं। तो इसलिए फ्री में जो मिलते हैं उसको आपने अर्न करना है और स्टेप बाई स्टेप समझना है। तो आज ही इसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जी metroqueen.1 पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे हम मेट्रो यहाँ पे queen.1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ रहा है, इसको तो हम छोड़ देते हैं, फिर इसको बाद में वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में जाके इसकी प्राइस चेक करेंगे जो कि पहले शो हो रही थी लेकिन अभी शो नहीं हो रही है। तो स्क्रॉल डाउन हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पहले शो हो रहा था कि फलान डेट को है या फिर एक मंथ या दो मंथ, आप अगर मेरी रिसेंट वीडियो देख लें तो उसमें ये चीज़ें शो हो रही थी कि फिलहाल डेट को इसकी प्रे सेल होगी, ये होगी, वो होगी, लेकिन अभी तक इनकी 22 अगस्त के बाद से कोई अपडेट नहीं आई है। ठीक है, तकरीबन 50 बिलियन इन्होंने जो मेट्रो टोकन थे MTR वो बर्न किए थे, लेकिन उसके बाद फिर इसकी कोई भी अपडेट नहीं आई। ठीक है, अभी इसकी सप्लाई की बात करें तो सप्लाई तो इसकी बहुत ही ज़्यादा है, ट्रिलियन में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोकन डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी मैंने वीडियो में वाजे कर दिया कि क्या इसका सीन है। यहाँ पे फेस वगैरह अब इनके कंप्लीट हो गए हैं सारे, लेकिन अभी तक इनकी कोई लिस्टिंग वगैरह का चांस नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी दोबारा इसका ये पोस्टमार्टम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा मैं इसके शोरूम में इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ से करूँगा। दोबारा मैं metroqueen.1 पर दोबारा गया और यहाँ पर जी इसका करूँगा कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे मैं ट्रस्ट वॉलेट पे चला जाता हूँ, एंड यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितने MTR पड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे पड़े हैं, मेरे पास ये पड़े हैं MTR 1290 पड़े हैं मेरे पास। ठीक है, अभी अगर इसको मैं सेल करता हूँ तो आपने कैसे सेल करने हैं, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, पहले इसकी यहाँ पे शो हो रहे थे लेकिन अभी शो नहीं हो रहे। पहले हम इसको कैसे सेल करते थे, यहाँ पे जी ब्राउज पे आना होता था आपको, एंड यहाँ पे जी दोबारा आना होता था एक्सचेंज, यहाँ पर जो पैनकेक स्वैप है, लेकिन हालांकि इन्होंने पैनकेक स्वैप पे लिस्टिंग का नहीं कहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये शो हो रहा था। लेकिन अभी के वक्त में ये यहाँ पे बिल्कुल इसकी प्राइस ही शो नहीं हो रही। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और आपको वाजे हो जाएगा सब कुछ कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या फिर गलत। हमारे पास यहाँ पे ये ओपन हो गया, तो ये जैसे कि आपको पता है कि पॉलीगोन के ब्लॉकचेन पे बना हुआ है बेस पे टोकन है, तो यहाँ पे हम करेंगे पॉलीगोन ZKEVM। यहाँ पे जी पॉलीगोन पे हम क्लिक कर देते हैं और पॉलीगोन को हम रखेंगे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, इसको यहाँ पे हम नीचे रखते हैं इथेरियम वाले को, पॉलीगोन थोड़ा यहाँ पर ये पैनकेक स्वैप है, यहाँ पर थोड़ा इशू रहता है इसमें, तो कोई बात नहीं, हम इसको नीचे कर देते हैं स्वैप के जरिए। एंड यहाँ पे जी केक है, केक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हम लॉन्ग प्रेस करके वो वाला एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि भाई लोग जो MTR टोकन है ये यहाँ पे हमें कुछ स्कैम के चांसेस यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि इसकी कोई भी प्राइस यहाँ पे शो नहीं हो रही। हालांकि पहले यहाँ मैंने जब चेक किया था पिछली वीडियो में, आप रिसेंट में देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ इनकी वजूहत थी जिसकी वजह से मैं भी आपको कह रहा था कि आपको यहाँ पे माइनिंग करते रहना, लेकिन अभी भी आपको कहूँगा कि यहाँ पे आपने स्किप नहीं करना है।
क्यों स्किप नहीं करना है? हो सकता है कि कुछ इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हों जिनकी वजह से ये कोई नए अपडेट लेके नहीं आ रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे मैं दोबारा जी इसकी मेट्रो की ऐप पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जी मैंने ऐप ओपन कर लिया। यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ एक दफ़ा कि यहाँ पे मेरे पास जो है, यहाँ पे देखें 273, 300, 382, ठीक है, 382, 335 तक का भी मैंने विड्रॉ लिया हुआ है। तो यहाँ पे जी हम दोबारा आ गए हैं इसके ट्विटर अकाउंट पे, और यहाँ पे देखें 22 अगस्त को इसकी आखिरी जो है यहाँ पे ट्वीट हुई थी, एंड इसके बाद यहाँ पे ये 10 अगस्त को बिग बर्न वगैरह यहाँ पे 3 अगस्त को आई थी, और यहाँ पे जी ये टोटली यहाँ पे बर्निंग वाला सीन था। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि कुछ ये स्कैम वगैरह या तो कर गए हैं या फिर आने वाले दिनों में शायद कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप लोग अभी कहोगे कि पहले आपने कहा था कि आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, तो मैंने ज़रूर कहा होगा जो बंदा रिस्क ले सकता है वो रिस्क ले, क्योंकि भाई इन चीज़ों में रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर अभी इसकी कोई आगे अपडेट आती है वो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। इसकी माइनिंग स्टार्ट रखें, हो सकता है उनकी कोई और भी वजूहत हों जिसकी वजह से ये कोई अपडेट ना दे रहे हों, ठीक है। लाजमी नहीं कि स्कैम के ही चक्कर की वजह से नहीं दे रहे हों, हो सकता है कोई और भी वजूहत हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।